बराबर इसमें आया था बराबर उसके बाद फिर मैं नहीं अभी तक का यही है एक्चुअली एवरी ईयर जो मैं इंडिया में डेवलपमेंट होता है वो थीम में करता हूँ, तो इस साल अभी जो ये तेजस न्यू जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो अभी लॉन्च हुआ है, तो उसका मैंने ये थीम रेडी किया हुआ है। ये बनाने के लिए मुझे 2-2.5 महीने पहले मैंने कॉन्सेप्ट रेडी कर दिया था कि इस साल ये तेजस जो न्यू जनरेशन तेजस आया हुआ है Mark A1 करके, तो वो कॉन्सेप्ट था और इसको बनाने के लिए मुझे 10 से 12 दिन लगे थे। ये मेरा 33वां साल है और लास्ट 10-12 साल से जो इंडिया में डेवलपमेंट होता है वो स्केल पे मैं पूरा थीम रेडी करता हूँ। और इसके पहले मैंने वंदे भारत ट्रेन किया था, कोविड वैक्सीन किया था, राम मंदिर किया था, चंद्रयान किया था, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल वो किया था। तो जो भी इंडिया में डेवलप होता है वो स्केल पे मैं रेडी करता हूँ। और इस साल मैंने ये तेजस जो एयरक्राफ्ट है ये जनरली फाइटर जेट अपने को बाहर के देश से इंडिया में इंपोर्ट करना पड़ता है, तो ये ऐसा फाइटर जेट है जो इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाला है। बाहर के काफ़ी कंट्रीज है जो इनकी डिमांड है, ये कॉम्पैक्ट फाइटर जेट है। ये फाइटर जेट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी चलाया था, टेस्ट ड्राइव वगैरह खुद उन्होंने कॉकपिट में बैठ के किया था, करीबन 5-6 महीने पहले की बात है। तो तभी से एक मेरे मन में आ गया था कि काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो ये साल ये तेजस जो Mark A1 है फाइटर जेट न्यू जनरेशन वो कर सकते हैं। नजर जोड़ी हुंतु कनक डिजिटल सहित फेसबुक रे लाइक और फॉलो करंतु, यूट्यूब रे सब्सक्राइब करिबा बेले बेल आइकन दबांतु।